सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज क्या हुआ बे? मत पूछ भाई। हाँ चल ठीक है, चल ठीक है, पूछ लिया तो बता देता हूँ। आज मैं बाहर गया था और आसपास के लोग भी मुझे पागल बोलने लग गए। अब क्या मतलब, क्या ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। फिर तूने क्या? मैं क्या करता, चुपचाप सुन के घर आ गया। बस घर आके बैठ गया और बैठे बैठे बस यही सोच रहा था मैं कि इन सालों को पता कैसे लगा। क्या ये सब तो मेरे घर वाले बोलते हैं मुझे। पागल है। अरे हाँ हाँ, आराम से आराम से। देख तू भी पागल बोलने लग गया, करना पड़ेगा कुछ। बात बाहर तक फैली गई है, चल जा। ऐसे दिमाग खराब करता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर पानी, कई बार जो है पानी की मोटर पानी नहीं उठाती है, उसका क्या कारण होता है। क्योंकि अक्सर कई सारी मोटर चलती तो है, आवाज़ भी आती है, लेकिन पानी नहीं उठाती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें पानी क्यों नहीं उठा रहा। अगर इस तरह की मोटर अगर ख़राब हो जाती है, चाहे वो इस छोटी साइज़ की हो चाहे वो बड़ी साइज़ की हो, वो पानी क्यों नहीं उठा रही, क्या कारण होता है पानी नहीं उठाने का। तो आज मैं आपको यहाँ से बेसिक से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है अगर आपके घर पे पानी की मोटर लगी हुई है या आप किसी की पानी की मोटर रिपेयर करने के लिए जाते हो। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, मोटर चल रही है लेकिन पानी नहीं उठा रही, इसका क्या कारण है। तो यही सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और लास्ट में की जगह इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके बताइए या आप मुझे कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको देखना है ये वीडियो। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उसके बाद आप करिए कॉल मी फॉर एप्लीकेशन डाउनलोड, इसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हो। इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इनडायरेक्ट फोन कॉल। यहाँ पे आपके पास में मेरा नंबर नहीं आएगा, ना ही मेरे पास में आपका नंबर आएगा, बस इतनी सी बात है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पानी क्यों नहीं उठाती मोटर। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और ये है वो पानी की मोटर। और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की मोटर छोटी बड़ी सारी साइज़ की होती है, ये सबसे छोटा साइज़ है। तो इस तरह की मोटर में अगर पानी नहीं उठा रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले आपको पानी चेक करना चाहिए, पानी है या नहीं, ये तो ज़रूरी है। और दूसरा आप ये चेक करिए कि मोटर एयर ले रही है क्या। एयर ले रही है तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको करना ये है कि ये जो आपको यहाँ पे ये जो बोल्ट नज़र आ रहा है, ये वाला बोल्ट, उसे आपको यहाँ से खोलना है इस तरह से, और उसके अंदर चेक करना है पानी है कि नहीं। अगर इस मोटर में यहाँ पे हेड के पास में अगर पानी नहीं है तो आपको क्या करना है कि ये इस तरह से मग में पानी लेना है और यहाँ से इसमें डालना है और उसके बाद में आपको ये पेच लगाना है अच्छे से वापस और उसे चालू कर देना है। तो देखिए कि उस कंडीशन में वो चालू हो रहा है कि नहीं। अगर उस कंडीशन में चालू हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस हेड में पानी नहीं है, इस वजह से ये एयर ले रहा था, पानी नहीं उठा रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेड में अगर पानी नहीं होगा तो तब तक वो आपके दूसरे पानी को नहीं खींच पाएगा, उसमें उतनी ताकत नहीं हो पाती। तो इसलिए आपके ये हेड है, इसमें पानी होना ज़रूरी है। अगर इस हेड में पानी नहीं होता तो एयर ले लेता है और आपकी मोटर जो है पानी नहीं उठा पाती। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि इसमें पानी क्यों नहीं होता है, क्या कारण है इसमें पानी नहीं होने का। उसका कारण है ये यहाँ पर लगी हुई फुटबॉल। देखिए कुछ इस तरह की फुटबॉल होती है, ये वाला एक सील जो है वो इस जगह पे लगता है और ये वाली जो फुटबॉल है वो यहाँ पे लगती है। दोनों तरफ से वॉशर लग करके इस तरह से यहाँ पे लगती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे फुटबॉल है कि नहीं। तो ये देखिए, ये लग रही है यहाँ पे फुटबॉल। ये देखिए ये फुटबॉल क्या काम करती है, ये फुटबॉल ये काम करती है जो आपका रिवर्स पाइप में पानी भरा हुआ होता है, मतलब बचा हुआ होता है, वो पानी को रिवर्स वापस नहीं जाने देता, ये फुटबॉल उसको रोक के रखता है यहाँ पे।
और उधर से पानी खींचने का काम तब करते हैं जब इसमें पानी भरा हुआ है, हेड में पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही वो पानी मोटर चालू करोगे तो ये जो स्प्रिंग है ये ऐसे हो जाएगी, अंदर की तरफ खींच जाएगी, और उस कंडीशन में जो पानी है अंदर आ रहा है वो उसे इसी तरह से दबा के रखेगा, और जैसे ही आप मोटर बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और रिवर्स जो पानी है वो वापस नहीं जाएगा, आपके इस मोटर के अंदर पानी पड़ा हुआ रहेगा। तो उसका काम करती है ये फुटबॉल, इस मोटर में पानी बचाने का काम करती है ये फुटबॉल। तो ये ख़राब हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये घड़ी घड़ी एयर लेगी, पानी नहीं उठाएगी, और आपको हमेशा इसमें ये वाल्व को खोल के, यहाँ से बोल्ट को खोल के पानी डालना है और उसे वापस चलाना है। तो इससे बढ़िया ये है कि आपकी अगर फुटबॉल ख़राब है, अगर आप घड़ी घड़ी पानी डाल के उसे चला रहे हो, एयर ले रही है, तो उसका मतलब ये है कि फुटबॉल ख़राब है, आप फुटबॉल चेंज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस इतना सा ही करना है आपको। तो ये है फुटबॉल की प्रॉब्लम अगर आपकी मोटर पानी नहीं उठा रही है तो। तो फ्रेंड एक चीज़ और आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर इसकी फुटबॉल ख़राब है तो वो फुटबॉल आपकी हर मोटर के साइज़ के हिसाब से अलग अलग आती है। जो ये हेड का साइज़ है इसके हिसाब से अलग अलग आती है। जैसे कि अभी ये मेरे पास में है, ये इससे छोटा साइज़ है, ये फुटबॉल जो है इसमें नहीं लगेगी, लेकिन इसका जो हेड है उसके हेड पे जो फुटबॉल लग रही है, आपको वो फुटबॉल निकाल के लेके जानी है दुकान के ऊपर और वहाँ पे बताना है ये साइज़ की फुटबॉल चाहिए, तो आपको वो साइज़ की फुटबॉल मिलेगी। अगर आप अंदाजे से लाएंगे तो आपको छोटा बड़ा होगा और आप उसमें ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप जब भी इस तरह के हेड की अगर फुटबॉल चेंज कर रहे हैं तो आपको वो उसकी फुटबॉल लेके जानी है और उसके साइज़ की लेके आनी है। अगर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 4-5 तरीके की फुटबॉल आती है, आपको हर फुटबॉल के 2-2 पीस रखने हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते ये, और अपने साथ में रखने हैं। जब भी आपको इस तरह की कंप्लेंट आती है तो आप आसानी से वहीं का वहीं हाथों हाथ उसे रिपेयर कर सको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फुटबॉल जो है हमेशा हर मोटर के हेड के हिसाब से अलग अलग साइज़ आता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया कि अगर मोटर पानी नहीं उठा रही, पानी डालने के बाद में आराम से पानी उठा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फुटबॉल ख़राब है। अब कई बार ये होता है कि आप इसमें पानी डाल रहे हो फिर भी ये जो है पानी नहीं उठा रही है, मोटर चल रही है, तो उसके लिए हम क्या चेक करें, कैसे पता चले कि मोटर ख़राब है, ये फुटबॉल ख़राब है, ये पानी क्यों नहीं उठा रही। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से मोटर को आपको खोलना है और यहाँ से आपको इसमें पानी डालना है, और उसके बाद आपको कहीं पर भी इसे प्लग इन कर लेना है, और प्लग इन करने के बाद में ये जो आपका हाथ है उसे आपको यहाँ पे लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर ये मोटर का हेड सही है तो क्या करेगा, आपका हाथ अंदर की तरफ खींचेगा। अगर इसका हेड ख़राब है तो आपको ऐसे ही पता करना पड़ेगा कि ये हेड का हेड ख़राब है या नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं इसे चालू करता हूँ, ये देखिए ये मेरे हाथ को अंदर की तरफ खींच रहा है, ये देखिए। आपको आवाज़ आ रही है, जैसे ही मैं हाथ हटाता हूँ टक करके आवाज़ आती है, ये देखिए। तो इस तरह से इसमें ये प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं हाथ जैसे ही रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ से बुलबुले उठ रहे हैं, और मैं हाथ हटाता हूँ तो देखिए ये बुलबुले बंद हो जाते हैं, ये देखिए। गौर से सुनिए, इसमें आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे देखिए तो इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर चालू है। अगर आपका हाथ इधर से खींच रही है अंदर की तरफ तो इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर चालू है, हेड आपका ओके है, कुछ और प्रॉब्लम है क्योंकि आपका पानी जो है ऊपर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं पे एयर ले रही है, वो आपको पाइपलाइन चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका यहाँ से हाथ नहीं खींच रहा है, यहाँ से आपका हाथ नहीं खींच रहा है, और आप पानी डाले जा रहे हो फिर भी वो मोटर पानी नहीं उठा रही और चल रही है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो हेड है, ये वाला हेड, ये आपको सही करवाना पड़ेगा। ये आपके इंजीनियरिंग एंड वर्क्स जो होती है, जो लेंथ वाले होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, पाइपों का काम करते हैं, उनके पास में ये हेड आपका सही होगा। वो क्या करेंगे कि इसके हेड का वापस से वेल्डिंग करेंगे और इसके हेड को वापस से नया जैसा बना देंगे अंदर से। तो इसे खोल के आपको ले जाना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको पूरी मोटर भी वहाँ ले जानी पड़े, क्योंकि वो मोटर को देख करके भी इसका हेड तैयार करके देते हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी बेसिक प्रॉब्लम। तो फ्रेंड देखा आपने कि हमने यहाँ पे इसे किस तरह से रेक्टिफाई किया, सारी चीज़ों को आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर इसमें पानी नहीं उठा रहा तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इसका फुटबॉल लगाए तो फुटबॉल का साइज़ डिपेंड करता है उसके हेड के हिसाब से, तो आपको फुटबॉल साथ में ले जाना है दुकान पे और उसके साथ का फुटबॉल ला के इसमें लगाना है, क्योंकि साइज़ में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए फुटबॉल निकाल के साथ में ज़रूर लेके जाए।
तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट कीजिए, या आप मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो क्योंकि मैं वो डेली शाम को देखता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और वो भी कुछ सीख सके। देखिए यहाँ पे सीखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे नॉलेज रखना भी जरूरी है कि आपको भी पता चले कि किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर लेना है और साथ ही दबाना घंटी का बटन ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सब। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।